प्रदेश की खट्टर सरकार में गृह मंत्रालय का पदभार संभालने के बाद अनिल विज ने साफ तौर पर यह चेतावनी दी थी कि जो लोग नशे का कारोबार करते हैं वो हरियाणा छोड़ दें, और इसके बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई। आज अम्बाला पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से लाखों रुपए के नशीली दवाओं को बरामद किया है। पुलिस फिलहाल इन लोगों से पूछताछ कर रही है क्योंकि पुलिस को शक है कि इनके तार दूसरे राज्यों से हो सकते हैं। इसे बरामद हुआ है इन लोगों के पास से, कल हमारी नाकाबंदी थी उच्च अधिकारियों के आदेश से, तो एक्टिवा पे दो नौजवान लड़के आए और वो भागने लगे। तुरंत हमारी पार्टी ने इसको कैच किया, कैच करने के बाद ये हबड़ाए हुए थे, तो बैग लिया हुआ था इन्होंने, तो बैग को जब हमने चेक किया तो उसमें काफ़ी नशीली खैप थी और ये यूपी झिंझाणा शामली से किसी केमिस्ट से लेके आए हैं और पहले भी 3-4 बार ये लेके आए हैं। एक्टिवा पे ये आते जाते हैं और पंजाब में जाके ये छोटे छोटे केमिस्टों पे सप्लाई करते हैं। जो हमने इसको चेक किया तो इसमें करीब 20,000 गोलियां प्लस 1 किलो 600-700 ग्राम लूज गोलियां बरामद हुई हैं। इनके ये एनडीपीएस एक्ट में आती, ये सारी एनडीपीएस में आती हैं। ड्रग इंस्पेक्टर्स को भी हमने वेरीफाई करा के कंप्लीट कर लिया। ड्रग्स डोमेस्टिक इनसे इनका हम पुलिस कस्टडी लेंगे और इनसे और काफ़ी खुलासा होगा कि कहां कहां ये सप्लाई करते हैं। हाँ, गहनता से पूछताछ करने पे ही पता चल पाएगा कि इनके किन किन राज्यों में जो है ना सप्लाई होती है। पुलिस के हत्थे चढ़े इन दो नशे के कारोबारियों ने माना कि ये बीते 1 साल से ये काम कर रहे हैं और ये यूपी से पंजाब तक नशे का कारोबार चलाते हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों युवाओं ने बताया कि यूपी से खरीद कर नशीली दवाओं को पंजाब के केमिस्टों के पास बेचा जाता है और जहां से आगे केमिस्ट पंजाब की युवा पीढ़ी को नशे की लत लगाने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर बलबीर सिंह। ये कहां से लाए थे कैप्सूल और कहां लेकर जा रहे थे? सर शामली से जान जाना नहीं है, वहां से लेके आए थे हम लोग। तो खाली हरियाणा में बेचते थे आपकी इसको यूपी पंजाब? ना ना सर, पंजाब में मेडिकल में सर, इतने तो सर अब होटल में रुकने थे रात। पंजाब में कहां बेचते थे? सर ब्यास, बाबूकाला, रैया, सठियाला, बताला, सर मेडिकलों को आके देते थे हम लोग, तेज जाना से लेके आते थे। हाँ जी। तो कौन कौन लोग आपके ग्राहक रहते थे? सर मेडिकल वाले स्टोर ही है जहाँ मुद्रा मारे पंजाब में, जो जो आपको नाम बताया ना वो मेडिकल स्टोर। कितने समय से ये काम कर रहे हैं? सर अभी मेरे को जी साल ही हो गया सर। सर मैं इसके साथ आया था, इसने बोला अभी 500 रुपया दे देगा तो मैं इसके नाल आ गया। कहाँ से लाते थे? सर इधर यूपी से। और कहाँ कहाँ बेचते थे? सर इधर बाबूकाला रही है। नशे के कारोबारी युवा पीढ़ी को खराब करने में लगे हैं, ऐसे में आम लोगों के साथ साथ पुलिस की सतर्कता हमारी इन युवाओं को नशे से बचा सकती है। इसलिए हम आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि कहीं पर भी ऐसा नशे का कारोबार हो रहा हो तो उसकी सूचना पास के ही पुलिस थाने को जरूर दें।